DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में नए तैनात होने वाले डॉक्टरों के एजाज में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की सदारत प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जाहिद कमाल सदीकी ने की। इसके अलावा MS डॉक्टर अब्दुल वहीद समेत दीगर डॉक्टरों ने भी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जाहिद कमाल सदीकी का कहना था कि इस दफा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 28 ट्रेनिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स दिए गए हैं, जो मुख्तलिफ शोबा जात में जिन्होंने ज्वाइन किया है। उनमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ना सिर्फ साहिवाल मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करेंगे बल्कि DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के भी अच्छे नुमाइंदा साबित होंगे और अपनी ट्रेनिंग जो कि तकरीबन 4 साल का पीरियड होता है उसमें वो इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल से और इस इदारे से अच्छा अखलाक स्किल्स और नॉलेज सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। MS डॉक्टर अब्दुल वहीद ने कहा, आज की जो वर्कशॉप थी वो जो हमारे FCPS के जो PG ट्रेनीज हैं जो उनकी इंडक्शन हुई है हमारे हॉस्पिटल में, उनके ऑनर में हमने ये अरेंज किया था। और हमें जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये सबसे बड़ी तादाद है जो अब तक के लिए हमें हमारे पास इंडक्ट हुए, और हम ये तवक्को और उम्मीद रखते हैं और हमने इस चीज़ को शेयर किया उनके साथ कि उनके जो एटीट्यूड्स हैं और उनके अखलाक है और स्किल्स हैं उन सब में वो अपने आप को एक्सेल करेंगे और हॉस्पिटल के लिए और अवाम के लिए एक एसेट साबित होंगे। नए डॉक्टरों की तैनाती अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए रिलीफ का सबब बनेगी। कैमरामैन सैयद मोहम्मद अली के साथ जहूर अहमद, सेंट्रल न्यूज़, साहिवाल।